उज्जैन शहर के कंट्रोल संचालकों ने अपनी मांगों को और बीपीएल कार्ड धारकों के राशन में आ रही समस्याओं के चलते फूड ऑफिस का घेराव किया है। जिला प्रशासन के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड की सूची से 21,000 नाम हटा दिए गए हैं। ऐसे में अब अपात्र राशन कार्ड धारकों द्वारा सरकारी उचित मूल्य दुकान संचालकों पर राशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सॉफ्टवेयर में अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची अपडेट नहीं की जा रही है। दरअसल उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा अपात्र राशन कार्ड को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसमें उज्जैन जिले के लगभग 21,000 अपात्र राशन कार्ड को निरस्त किया गया है। वहीं जिले भर में सरकारी उचित मूल्य की दुकानें संचालित करने वाले संचालकों ने कोठी महल स्थित जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय पर घेराव किया। यहाँ पर खाद्य नियंत्रक मोहन मारू ने उनकी समस्याओं को सुना। प्रदर्शन कर रहे संचालकों का कहना है कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर जिले के 21,000 अपात्र राशन कार्ड को निरस्त किया है, लेकिन राशन कार्डों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई है। मैं जो है ना भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, जब से बीजेपी नहीं थी तब से काम कर रहा हूँ पार्टी में, और आज सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं निकल रही है गरीबों के लिए निकल रही है, और जो मजदूर है उनके लिए, किसानों के लिए, सबके लिए योजनाएं निकल रही है। तो आज जो जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी भयंकर धूप में घूम फिर के ना मालूम कहाँ कहाँ कैसे कैसे भूखे प्यासे यहाँ आके खड़े हुए हैं, और ये जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनको जो है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी क्या परेशानी है, उस परेशानी को हम दूर करते हैं। ये आगे बोलना चाहिए कि ये इस प्रकार से सबको यहाँ बुलाने की जरूरत पड़ रही है। उद्देश्य हड़ताल करने का वो है कमीशन, क्योंकि हमें विगत इतने टाइम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिर्फ 70 पैसे कमीशन दिया जा रहा, जबकि सभी दूसरे राज्यों में हमारे साथ में जो कमीशन मिल रहा था वो अब बढ़कर किसी जगह 160 हो गया, किसी जगह 125 हो गया, किसी जगह 190 हो गया, पर हमारा आज तक वही का वही 70 पैसे चल रहा है। पर अब इसमें दुकान चलाना बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि पूर्व के जो समय में APL चलता था उससे हम लोग हमारा गुजारा कर लेते थे, पर अभी की स्थिति में हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5-7 हज़ार का दुकान किराए की मिलती है, 5-6 हज़ार का लड़का मिलता है, और ऐसे करके दूसरे खर्चे भी रहते हैं, तो इतना खर्चा वहन करना हर दुकानदार के लिए बस में नहीं बचा। हमारा मेन उद्देश्य हड़ताल का सिर्फ और सिर्फ कमीशन है। भाई हमारी मांग ये है कि जो 21,000 कार्ड इन्हें बंद करें, हम चाह रहे हमारी हम शासन के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, हम शासन के साथ ही हैं, पर हम चाह रहे हैं कि जो भी ये हो रहा है ये संबंधित एजेंसी जिनने कार्ड बनाए हैं उस एजेंसी के माध्यम से विलोपित कराएं। हमारा एक सीधा कहने का मतलब ये, अभी हमारी कुछ दुकानों पर जैसे हमने राशन वितरण करना चालू करा था, तो कुछ दुकानों पर लोगों ने, जैसे दुकानदार ने जिनका बोल दिया कि इनका कार्ड बंद है, तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या उस क्षेत्र के दादा पहलवानों को लेकर दुकान पर आके बातचीत करता, और उसकी भाषा इतना शोभनीय रहती है कि हमारे को वो सहन नहीं हो रही है, और हम शासन का काम करने को तैयार हैं, पर हम इस प्रकार से किसी प्रकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। अगर शासन को लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग हमारी POS मशीन जमा करने के लिए तैयार हैं।